हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडोलॉगिस। आज है 15 फरवरी 2023 और 15 फरवरी से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारी क्वेश्चंस को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो सारे क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ना से ना 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन जो है जरूर आते हैं, इसीलिए आप डेली करंट अफेयर को जरूर फॉलो कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरी वीडियोज आपको टाइम पे मिल सके। हु विल इनॉग्रेट नेशनल आदि महोत्सव ऑन फेब्रुअरी 16 इन न्यू दिल्ली। 16 फरवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन कौन करेगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दिस 15-डे फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। ये जो महोत्सव है वो 15 दिन का होने वाला है और कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में कहाँ? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। दिस वॉज अनाउंस एट द मीडिया ब्रीफिंग बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा इन न्यू दिल्ली। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इज मेकिंग ऑल एफर्ट्स टू इंश्योर फुल पार्टिसिपेशन ऑफ किसके? ट्राइबल कम्युनिटीज के। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इसमें पूरा पार्टिसिपेट करें। इन रियलाइजिंग द विजन ऑफ किसका? आत्मनिर्भर भारत का। द मिनिस्ट्री सेड दैट टेरिफेड इज वर्किंग विद द टॉप डिजाइनर्स टू इंश्योर क्वालिटी एंड कंटेम्प्रेरी डिजाइन इन द ट्राइबल प्रोडक्ट्स एज वेल एज टू रिटेन द ओरिजिनैलिटी। थीम क्या होने वाली है इस इवेंट की? अ सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द ट्राइबल क्राफ्ट्स कल्चर क्विजीन एंड कॉमर्स। द थीम ऑल्सो रिप्रेजेंट बेसिक एथॉस ऑफ ट्राइबल लाइफ। इस फेस्टिवल के हाईलाइट्स क्या है? ये जो फेस्टिवल होने वाला है ये एग्जैक्टली किस वजह से होने वाला है, किस रीजन से? ये जो फेस्टिवल है वो फीचर करेगा एग्जीबिशन कम सेल को किसके? ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, पेंटिंग्स, ज्वेलरी, केन, बैम्बू, पॉटरी, फूड, ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स, ट्राइबल क्विजीन को एंड मोर टू शोकेस इट थ्रू 200 स्टॉल्स। टोटल इसमें स्टॉल्स कितने लगेंगे? 200 स्टॉल्स लगेंगे। 1,000 से ज्यादा ट्राइबल आर्टिसंस और आर्टिस्ट जो हैं फ्रॉम 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विल पार्टिसिपेट इन दिस फेस्टिवल। उसके बाद ये आदि महोत्सव होता क्या है इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इट इज अ नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल एंड अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया दैट इज TRIFED, टेरिफेड। तो ये जो आदि महोत्सव होता है वो नॉर्मली जो है वो नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल होता है जो एक जॉइंट इनिशिएटिव है, मतलब मिली भगत कह सकते हैं किसने किनकी है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की और उसके साथ साथ टेरिफेड की। इसकी शुरुआत की गई थी ईयर 2017 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या? अगर कोई भी चीज होता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू अक्वेंट पीपल विद द रिच एंड डाइवर्स क्राफ्ट एंड कल्चर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज एट वन प्लेस। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि लोगों को बताना या बाकी लोगों को बताना कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज होते हैं उनके रिच एंड डाइवर्स क्राफ्ट्स एंड कल्चर्स कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं, एक प्लेस पे इस चीज को आप बता सकते हो। विच कंट्री डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी आफ्टर साइक्लोन ग्रेबियल लैशेस नॉर्थ आइलैंड? किस देश ने उत्तरी द्वीप पर आए चक्रवात ग्रेबियल के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, न्यूजीलैंड। साइक्लोन ग्रेबियल कॉजेस वाइड स्प्रेड फ्लडिंग, लैंडस्लाइड्स एंड अ ह्यूज ओशन स्वेल्स अक्रॉस द नॉर्थ आइलैंड। दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड वेदर इवेंट दैट इज हैविंग वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट अक्रॉस मच ऑफ द नॉर्थ आइलैंड। ग्रेबियल अपियर्ड ओवर स्मॉल आइलैंड अबाउट 100 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ एक्वालैंड बट दिस इज नाउ मूविंग टू साउथ वेस्ट। A state of national emergency has been declared in New Zealand on two previous occasions. इससे पहले भी 2 बार जो है नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई थी न्यूजीलैंड में। पहली कब हुई थी? 2011 में आफ्टर अ मैग्नीट्यूड 6.3 अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आया था मैग्नीट्यूड उसका कितना था? 6.3। तब एक बार नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई थी।
दूसरी बार कब हुई थी, जो अर्थक्वेक आया था वो आया था इसमें क्राइस्ट चर्च में। दूसरी हुई थी इन अर्लियर डेज ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। कोविड की वजह से तो नेशनल इमरजेंसी हर ही मतलब कंट्री में, हर ही कंट्री में आई थी मैक्सिमली। लेकिन अभी हम इसकी बात करें न्यूजीलैंड में, तो ये दूसरी बार आई है, और तीसरी बार आ रही है किसके, साइक्लोन ग्रेवियल की वजह से। विच कंट्री टू सेंड इट्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट टू स्पेस दिस ईयर। किस देश ने इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सऊदी अरेबिया। सऊदी फीमेल एस्ट्रोनॉट जो है, जिनका नाम है रायना बरनाउवी, वो ज्वाइन करने वाली किसको, सऊदी अली अल कारनी को ऑन अ 10 डेज मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दैट इज ISS दिस ईयर। द AX2 विल बी लॉन्च बाय स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट फ्रॉम लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A एट नासाज कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडिया अमेरिका। ये इंपॉर्टेंट करने वाला है, जो फीमेल है वो ज्वाइन किसे करेंगी, सऊदी अली अल कारनी को, किसे, 10 डे के मिशन पे, और ये कहाँ होने वाला है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में। स्टूडेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग IITs वन AED 1 मिलियन बाय विनिंग अ गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड गारमेंट समिट इन दुबई ऑन 13 फरवरी 2023। 13 फरवरी 2023 को दुबई में वर्ल्ड गारमेंट समिट में निम्नलिखित में से किस IIT के छात्र ने स्वर्ण पदक जीतकर AED 1 मिलियन जीता? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, IIT इंदौर। ये स्टूडेंट्स जो थे वो कहाँ के थे, IIT इंदौर के। अब इन जो IIT स्टूडेंट्स हैं इनके नाम क्या है, नियति टोटाला एंड नील कल्पेश कुमार पारेख, हु आर स्टूडेंट्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ऑफ इंदौर दैट इज IIT इंदौर, वो अवार्डेड दिस प्रेस्टिजियस मेडल बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के प्रेसिडेंट के द्वारा इन्हें ये अवार्ड दिया गया। इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन है, अबेल फतेह एल सीसी। दी स्टूडेंट्स आर द मेकर्स ऑफ द ब्लॉक बिल ऐप। अब ब्लॉक बिल ऐप क्या होता है इसको देख लेते हैं। ब्लॉक बिल ऐप इज अ ब्लॉकचेन बेस्ड रिसीट जनरेशन ऐप दैट जनरेट्स डिजिटल रिसीट्स फॉर ऑल ऑफ इट्स यूजर्स ट्रांजैक्शंस। दिस ऐप सॉल्व्स मेनी प्रॉब्लम्स लाइक ट्रांजिशनिंग फ्रॉम प्रोड्यूसिंग थर्मल पेपर टू प्रिंटिंग रिसीट्स। थर्मल पेपर आर यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है वेरी कॉमन, कोई भी चीज अगर बहुत ही कॉमन हो उसको कहते हैं यूबिक्विटस। एंड फाउंड इन मोस्ट रिटेल लोकेशन दैट के नॉट बी रिसाइकल्ड ड्यू टू केमिकल्स यूज टू मेक देम। दिस हैव बीन कॉन्सेप्चुलाइज टू एड्रेस दिस इश्यू। टॉकिंग अबाउट द अवार्ड, दीज आर एनुअल अवार्ड ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। दीज अवार्ड आर गिवन टू लीडिंग स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज एंड स्टार्टअप फॉर डेवलपिंग इनोवेटिव सोल्यूशंस यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। ये अवार्ड किन किन लोगों को दिया जाता है अगर इसकी बात करें, या पूछ लेते हैं कि आपको ये अवार्ड किसको किसको देते हैं, तो किसे देते हैं, लीडिंग स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, गवर्नमेंट एजेंसी एंड इंस्टीट्यूशंस को, उसके साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज एंड स्टार्टअप फॉर डेवलपिंग इनोवेटिव सोल्यूशंस विद द यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ये इसका क्या मेन थीम क्या थी, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, दुबई में, कब से कब तक, 13 से 15 फरवरी। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको पिछले ही वीडियोस में भी करवा चुकी हूँ। पार्टिसिपेशन ऑफ दिस समिट रिफर्म्स ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट रोल एज अ यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर ह्यूमैनिटी। आप मेरी पहले की वीडियोज भी देखिए जिसमें मैंने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बारे में डिस्कस किया है। When was the खनन प्रहारी मोबाइल एक्ट टू कर्ब इलीगल माइनिंग लॉन्च्ड? अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खनन प्रहारी मोबाइल एक्ट कब लॉन्च किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 13th ऑफ व्हाट फेब्रुअरी को इसे लॉन्च किया गया था। द गवर्नमेंट ऑन 13 फेब्रुअरी लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप नेमली खनन प्रहारी एंड अ वेब ऐप कोल माइनिंग सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज CMSMS। इट वॉज बीन लॉन्च टू रिपोर्ट अनऑथराइज कोल माइनिंग एक्टिविटीज सो दैट मॉनिटरिंग एंड अप्रोप्रिएट एक्शन कैन बी टेकन टू द कंसर्न लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्सिंग अथॉरिटी। CMSMS एप्लीकेशन हैज बीन डेवलप्ड टू टेक
पेरेंट एक्शन टू कर्ब इलीगल माइनिंग एंड यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एज एन ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है CMSMS एप्लीकेशन का? इसका है टू असर्टेन द पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट इलीगल माइनिंग बाय रिसीट ऑफ कंप्लेन्ट्स ऑफ सिटीजन्स थ्रू द मोबाइल ऐप खनन प्रहरी। मोबाइल ऐप का नाम क्या है? खनन प्रहरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है कि इलीगल माइनिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? खनन प्रहरी। कब लॉन्च किया गया था? 13 फरवरी के। उसके साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, मॉनिटरिंग एंड टेकिंग एक्शंस ऑन इलीगल कोल माइनिंग एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट विद इन द लीज होल्ड लिमिट्स। और खनन प्रहरी मोबाइल ऐप जो है वो क्या है? इट इज अ मोबाइल ऐप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कोल टू रिपोर्ट इलीगल कोल माइनिंग। जो भी इलीगल कोल माइनिंग हो रही है उसको रिपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा ये खनन प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। इट इज अ टूल फॉर जियो टैग फोटोग्राफर्स ऑफ एनी इलीगल कोल माइनिंग इंसिडेंट एज वेल एज इंफॉर्मेशन टू एनी सिटीजन फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द इंसिडेंट। हु अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट ऑन 13 फरवरी। 13 फरवरी को किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, इयॉन मॉर्गन। इयॉन मॉर्गन जो है वो इंग्लैंड के कैप्टन रह चुके हैं। इन्होंने 13 फरवरी को क्रिकेट के सारे फॉर्म से संन्यास लेने का अनाउंसमेंट किया, यानी कि घोषणा की है। इनकी उम्र क्या है? 36 साल। मॉर्गन हैज सेड गुड बाय टू इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन 28 जून 2022। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया था कब? 28 जून 2022 में। ही अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल थ्री फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। यॉन मॉर्गन कैप्टन द ओडीआई वर्ल्ड कप प्लेड इन इंग्लैंड इन द ईयर 2019 एंड वन हिज टीम द टाइटल। ही ऑल्सो बिकेम द कैप्टन टू विन द ओडीआई वर्ल्ड कप फॉर इंग्लैंड। एज आई सेड, ये इंग्लैंड के कैप्टन रह चुके हैं। इनकी एट प्रेजेंट में उम्र है 36 साल और इन्होंने 13 फरवरी को क्रिकेट के सारे फॉर्म से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। विच सिटी इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस? किस शहर ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मुंबई। मुंबई ने फर्स्ट इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का जो है उद्घाटन किया है। द बिरहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग दैट इज बेस्ट, बेस्ट का फुल फॉर्म है ये, इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन एसी डबल डेकर बस ऑन 13 फरवरी इन मुंबई। अकॉर्डिंग टू बेस्ट, बेस्ट के अकॉर्डिंगली द रीजनल ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन मुंबई इज येट टू कम्प्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द इलेक्ट्रिक बस। बेस्ट के अकॉर्डिंग अभी ये बात बोली जा रही है कि मुंबई में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है उसको अभी भी कंप्लीट होना बचा है। किसके लिए? इलेक्ट्रिक बस के लिए। एक बार ये अप्रूवल हो जाए उसके बाद ये जो बस है वो कुरल बस डिपोट और बांद्रा कुरल कॉम्प्लेक्स के बीच में चलने वाली है। इस टिकट की प्राइस की बात करें तो ₹6 इसका प्राइस होने वाला है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ कितना? 5 किलोमीटर्स के लिए। डबल डेकर बस की जो कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी, वो है 73। इसके साथ साथ इसमें सीसीटी कैमरास भी हैं एंड ऑटोमेटिक डोर्स दैट कैन बी चार्ज इन 80 मिनट्स। इसमें जो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं और ऑटोमेटिक डोर्स हैं उनको 80 मिनट में चार्ज किया जा सकता है। अभी प्रेजेंट की बात करें, द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैज 45 इलेक्ट्रिक एसी बसेस ऑफ वेरियस साइजेस। वेरियस साइजेस मतलब उनकी सीटिंग कैपेसिटी जो होगी वो अलग अलग होने वाली है। एंड 100 मोर विल बी इंडक्टेड इन दिस ईयर। इनका कहना यह है कि 2023 में अभी इनके पास ऑलरेडी 45 इलेक्ट्रिक बसेस हैं और 100 और जो हैं वो 2023 में आ जाएंगी। द इलेक्ट्रिक बस और स्विच EIV बोस्ट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट डिजाइन, हाईर सेफ्टी एंड बेस्ट इन क्लास कंफर्ट फीचर्स ऑफ 22 पैसेंजर्स। वेन डिड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइज द साइक्लोथॉन? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने साइक्लोथॉन का आयोजन कब किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 14 फरवरी। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइज अ साइक्लोथॉन विद द थीम। मेन बात क्या चीज आती है? थीम क्या है? थीम क्या है? साइकिल फॉर हेल्थ
एट लेडी हरिद्वार मेडिकल कॉलेज LHMC ऑन 14th ऑफ फेब्रुरी। अब कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव तो होता है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस रैली इज टू प्रमोट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट टू द सिटीजन्स। मेगा साइकिलिंग इवेंट इन द फॉर्म ऑफ साइक्लोथॉन्स और साइकिल रैलीज आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन ऑल द 1.56 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दैट इज ABHWCS। दीज एक्टिविटीज आर बीइंग कैरिड आउट एज अ पार्ट ऑफ ईयर लॉन्ग हेल्दी माइंड हेल्दी होम कैंपेन लॉन्च इन नवम्बर लास्ट ईयर विच एम्स टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट हेल्दी लिविंग। इस साइक्लोथॉन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है हेल्दी माइंड हेल्दी होम, जो कैंपेन लॉन्च किया गया था नवंबर का लास्ट ईयर नवंबर 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या है प्रमोट अवेयरनेस अबाउट हेल्दी लिविंग। सो साइक्लोथॉन का मेन ऑब्जेक्टिव जो बन जाता है वो होता है कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना। आप अगर फिजिकली और मेंटली हेल्दी हो तो आप सारी चीजें जो है अचीव कर सकते हो। रिसेंटली ललिता लाजमी पास्ड अवे, हु वाज शी? हाल ही में ललिता लाजमी का निधन हुआ वो कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पेंटर। नोटेड पेंटर ललिता लाजमी लेट एक्टर फिल्म मेकर गुरुदत्त की बहन थी जिनका 13 फरवरी को निधन हो गया। 90 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। इनका जन्म जब हुआ था 1932 में कहाँ? कोलकाता में। हेलिंग फ्रॉम एन आर्टिस्टिक फैमिली लाजमी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ क्लासिकल डांस एंड पेंटिंग। उनको क्लासिकल डांस और पेंटिंग का बहुत शौक था। शी हैड सेवरल एग्जीबिशन इन इंटरनेशनल आर्ट गैलरीज इन पेरिस लंदन एंड नीदरलैंड्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि उनके जो एग्जीबिशंस हुए थे आर्ट गैलरीज के कहाँ कहाँ हुए थे? पेरिस लंदन और नीदरलैंड में। ललिता मेड अ स्मॉल अपियरेंस इन 2007 फिल्म तारे जमीन पर। तारे जमीन पर जो फिल्म आई थी उन्होंने इसमें एक स्मॉल अपीयरेंस दिया था स्टारिंग आमिर खान। शी प्लेड एन रोल ऑफ द आर्ट टीचर। उन्होंने आर्ट टीचर का जो है किरदार निभाया था। शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ क्लासिकल डांस। ये पॉइंट हमें ऊपर भी कवर चुके हैं। रीसेंट ऑब्यूचुरीज यानी कि हाल ही में हुए निधनों की हम बात करने वाले हैं। मुश्किल से 30 दिन पहले की ही ऑब्यूचुरीज की लिस्ट है। पद्म भूषण अवार्डी लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर वाणी जयराम पास्ड अवे ऑन फेब्रुअरी 2023। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ पास्ड अवे ऑन 5th फेब्रुअरी 2023। नोटेड कैनेडियन राइटर केवी तिरुमलेश पास्ड अवे इन हैदराबाद ऑन फेब्रुअरी 2023। नोटेड तेलुगु डायरेक्टर सागर अक्का विद्यासागर रेड्डी हैज पास्ड अवे ऑन फेब्रुअरी 2nd ऑफ 2023। फॉर्मर लॉ मिनिस्टर एंड वेटरन लॉयर शांति भूषण पास्ड अवे ऑन 31st जनवरी 2023। आयरन मैन ऑफ इंडिया साबिर अली हु वन द डिकेथलॉन गोल्ड इन 1918 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप दैट वॉज हेल्ड इन टोक्यो पास्ड अवे इन जनवरी 2023। हु वन द हाइएस्ट बिड ऑफ 3.4 करोर्स एट द फर्स्ट एवर वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2023 ऑक्शंस इन मुंबई विच वॉज हेल्ड ऑन 13th फेब्रुअरी 2023। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के प्रेजेंट टाइम में वुमेन्स को इतनी सक्सेस मिलना इज वेरी ग्रेट। इनका नाम क्या है? स्मृति मदाना। 10 इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स वर सोल्ड फॉर मोर देन 1 करोर। जो रिसेंटली में ऑक्शन हुआ है उसमें से 10 से ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें जो ऑक्शन प्राइस है वो 1 करोर से ज्यादा है। मुंबई इंडियंस साइंड इंडियन कैप्टन हरमनप्रीत कौर फॉर 1.8 करोर। द WPL 2023 T20 टूर्नामेंट दैट विल बी हेल्ड इन मुंबई फ्रॉम मार्च 3 टू 26 2023। ये टूर्नामेंट होने वाला है कब? 3rd मार्च से 26th ऑफ मार्च तो 2023 में। ये एक लिस्ट है टॉप 5 बायर्स हैं WPL ऑक्शंस के, उनके नाम है। 23rd एडिशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल सी फूड शो IISS विल बी हेल्ड इन विच सिटी फ्रॉम 15th ऑफ फेब्रुअरी टू 17th फेब्रुअरी 2023। इंडियन इंटरनेशनल सी फूड शो IISS का 23वां संस्करण 15 फरवरी से 17 फरवरी 2023 तक किस शहर में आयोजित किया जाने वाला है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोलकाता। इट विल शोकेस द कंट्रीज ट्रेमेंडस स्ट्राइड्स इन द सी फूड सेक्टर। द मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPE DA इन एसोसिएशन विद द सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया विल बी जॉइंटली होस्टिंग द इवेंट्स एट द बिश्वा बंगला मेला प्रगान। द इवेंट वॉज लास्ट हेल्ड इन कोलकाता वे बैक इन 2006। MPEDA has also decided to host an international buyer seller meet with particular emphasis of G20 countries during the ISS in Kolkata. A special technical session on G20 countries will also be organized parallel to the conclave. Hyundai Motors India signs how many more women's cricketers as ambassadors? हुंडई मोटर्स इंडिया ने कितनी और महिला क्रिकेटर को एम्बेसडर के रूप में साइन किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2। दो और महिलाओं को हुंडई मोटर्स ने एम्बेसडर की तरह पे नियुक्त किया है। हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड हैज साइन टू मोर वुमेन क्रिकेटर्स नेम यस्तिका भाटिया एंड रेणुका सिंह ठाकुर टू इट्स रोस्टर ऑफ ब्रांड एम्बेसडर। भाटिया एंड ठाकुर विल ज्वाइन स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा एंड जेमिया। ये जो हैं वो ऑलरेडी एम्बेसडर्स हैं हुंडई मोटर्स के। द कंपनी रिकग्नाइजेज दीज वुमेन्स एज राइजिंग स्पोर्ट्स स्टार्स एंड दैट दे विल बी अ कैटलिस्ट इन द वुमेन्स क्रिकेट कैलेंडर 2023। क्वेश्चन फॉर यू, दिस इज द एंड ऑफ सेशन, आखिरी क्वेश्चन है। विच सिटी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस? इंडिया की कौन सी सिटी ने इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का जो है उद्घाटन किया है? इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। उसके साथ ही साथ ये सेशन आपको कैसा लगा उसका जवाब भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देखिएगा। मैं इस प्रेजेंट जो वीडियो है आज की वीडियो की 300 लाइक्स का टारगेट आपको दे रही हूँ, इसलिए इसको जरूर आप पूरा कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।